बच्चों, आज हम आपका पीरियडिक टेस्ट वन का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आपका अभी जो कि पीटी टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के लास्ट ऑफ द जुलाई, ऑलमोस्ट सभी केवीज में स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी का आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे कि आपका प्रश्न पत्र, आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द 90 मिनट्स एंड द 40 मार्क्स, 40 नंबर का आपका पेपर आएगा, और उसमें अलग अलग जो है बाइफर्केशंस, ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पोर्शन इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। पहला पोर्शन ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पोर्शन में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको जो है जो यहाँ ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें फिल करना है। फर्स्ट वन इज द आंस रिकग्नाइज ईच अदर विद देयर, वेदर इट इज स्मेल, आईज और कलर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? द करेक्ट ऑप्शन विल बी द स्मेल, स्मेल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्मेल आप यहाँ पर करेंगे, दैट विल बी द राइट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन। कम टू द सेकेंड वन, पॉइसनस teeth of the snake is known as glands, fangs or fangs. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों fangs, FANGS, fangs are the poisonous teeth of the snake. थर्ड वन, length of the small intestine, small intestine का length जो है वो कितना होता है? तो इट्स near about, देयर इज 6 meters, जो इसकी लेंथ होती है बच्चों वो होती है 6 meter। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ वन पर आ जाइए। द आउटर कवर लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज, द आउटर कवर और लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज कॉटिलेडॉन्स, इसको बीज पत्र भी कहते हैं, यानी बीज का पत्ता, यानी जो उसके ऊपर होता है, जो उसका लेयर होता है। फिफ्थ वन, एन ईगल कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को 2 meter के डिस्टेंस से देख सकते हैं, तो ईगल हाउ मच डिस्टेंस, हाउ फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस सी कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एज वी नो द ईगल्स कैन सी द 8 times एज कम्पेयर टू द अस, 8 times जो है वो हमसे ज़्यादा जो है देख पाती है। तो आप इसमें जो है 12 meter विल बी द करेक्ट आंसर, 12 meter डिस्टेंस से वो देख सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला आ जाइए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। What is the taste of this vegetable? What is this? कौन सी vegetable है बच्चों ये? As we all know, this is the bitter gourd. ये जो है करेला है, और करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, तीखा होता है। तो as the name suggest, this taste will be the bitter. इसका taste कैसा है? Bitter. आंसर बच्चों, this is Kalbelia dance. ठीक है? This is the Kalbelia dance. थर्ड पर आते हैं, ऑल ऑफ यू कम टू द थर्ड वन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम कौन क्या है? जो नीचे यहाँ इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड बाय द सपेरास, दिस इज नोन एज द बीन, जो कि बजाने में इस्तेमाल होती है सांप को और डांस कराने के लिए, उसको डांस जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वी यूज द बीन। चलिए कम टू द फोर्थ वन, फोर्थ पर आ जाते हैं। What is the name of this animal seen in the given picture? यानी दिए गए picture में जो ये animal आपको दिख रहा है, इसका क्या नाम है? The name of the given animal is sloth. आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसको sloth कहते हैं। Sloth जो कि दिन के लगभग बहुत ज़्यादा time नहीं, about 17 hours जो sleep करता है, सोता है, बहुत ही आलसी प्रकृति का जानवर है, तो इसको sloth कहा जाता है। चलिए next पर आते हैं। What do you observe in the picture? इस पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इस पिक्चर में जो ये ब्रेड की पिक्चर है यहाँ पर, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये स्पॉइल हो गया है, ये ख़राब हो गया है? स्पॉइल क्यों हो गया है? बिकॉज इसमें जो है कुछ फंगस लग गया है, ग्रीन कलर की जो है छोटे छोटे फंगस उगाए हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ स्पॉइल्ड।
तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ब्रेड को परचेज करते हैं तो वी हैव टू चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वेदर इट इज़ अ ब्रेड और मिल्क और अदर थिंग, वी जस्ट हैव टू चेक व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पर आ जाइए, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अगला पोर्शन है बच्चों, ये भी 15 मार्क्स का है आपका। मैच द फॉलोइंग, यानी आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है फिल करना है। मॉस्किटो फाइंड अस विद द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, नॉट ऑफ द कलर। जो मॉस्किटो हमें ढूंढ लेते हैं वो किसकी वजह से ढूंढ लेते हैं, वो हमारी स्मेल की वजह से हमें ढूंढ लेते हैं। हमारी जो स्मेल होती है, हमारी बॉडी की हीट और स्मेल की वजह से वो हमें ढूंढ लेते हैं, तो इसमें आप लिखिएगा स्मेल, ठीक है। अगला चलते हैं, आर नॉट सेंस ऑर्गन, हु इज नॉट सेंस ऑर्गन, टीथ इज द नॉट सेंस ऑर्गन, यानी टीथ जो है सेंस ऑर्गन नहीं है। टंग हैज व्हिच आइडेंटिफाइज द टेस्ट, यानी टेस्ट को कौन आइडेंटिफाई करता है, तो इसको टेस्ट बड्स करते हैं। टेस्ट बड्स जो है टंग को आइडेंटिफाई टेस्ट करवाते हैं, यानी तो यहाँ पर आप करेंगे टेस्ट बड्स यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट। डॉक्टर एडवाइसेस अस टू ईट सीड्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, डॉक्टर हमें कौन से सीड्स खाने की सलाह देते हैं, तो वो हमें स्प्राउटेड सीड्स खाने की सलाह देते हैं। रॉ मीन्स होता है बेटा कच्चा, जो पका हुआ ना हो। And sprouted seeds are those seeds which have soaked for one or two day and have the little bit, there is a little plant grown on that seed, तो उसको हम sprouts कहते हैं। तो यहाँ पर आप sprouted seeds करिएगा, जो कि खाने में healthy होते हैं, खाने में helpful होते हैं, खाने में nutritious होते हैं। Come to the next one, answer the following question, in questions के आपको answers देने हैं। Second one, चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, एज वी ऑल स्टडीड फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, तो व्हाट इज डाइजेशन, तो हमने पढ़ा है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में डाइजेशन क्या है। डाइजेशन मींस इफ यू स्वेलो समथिंग, इफ यू ईट समथिंग, देन द प्रोसीजर ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द फूड इनटू द स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में खाने का टूटना, और दिस इज एंड द एब्जॉर्बिंग बाय द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स के द्वारा उसको ऑब्जर्व करना, उसमें डिफरेंट एंजाइम का सीक्रेट होना, दीज ऑल थिंग्स कम इन द डाइजेशन। ये सभी चीज़ें किस में आती हैं प्यारे बच्चों, ये सभी डाइजेशन में आती हैं। तो यू कैन राइट द थिंग दैट इज ईट्स द फूड एंड ब्रेक्स इन टू द स्मॉल पार्ट, देर इज अ डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट्स इन द बॉडी, दीज ऑल प्रोसेस कम इन द डाइजेशन। तो आप इस तरह सिंपल सेंटेंस में एक या दो लाइन लिख सकते हैं। अगला आइए, दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं, हाउ डू आंट्स नो विच वे टू गो, चींटियों को कैसे पता चलता है कि उनको कौन से रास्ते पर जाना है, तो दे नो बाय द स्मेल ऑफ द अदर आंट, यानी वो स्मेल के जरिए पहचान लेती हैं कि चींटियों को कौन से रास्ते पर जाना है। विच वे इज परफेक्ट टू देम, विच वे इज led by the other ants, कौन सा रास्ता दूसरी चींटियों द्वारा चला जाता है, तो वो by smell के जरिए क्या करती हैं बच्चों, वो पहचान लेती हैं कि कैसे कौन से पाथ पर चलना है, जिसमें सभी लाइन से चल रही हैं उस तरह वो भी जो है उसी पाथ को जो है ट्रैवल करती हैं, उसी पाथ को ट्रेस करती हैं। कम टू द थर्ड वन, थर्ड पर चलते हैं, हाउ डू स्नेक्स हेल्प द फार्मर्स टू सेव देयर ग्रीन्स, यानी सांप जो है किसानों की मदद कैसे करते हैं उनकी फसलों को बचाने में। तो एज वी नो स्नेक ईट्स द रैट्स, वो रैट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इसी वजह से किसानों की फसलें जो है फार्मर्स की फसलें बेकार नहीं होती हैं, ख़राब नहीं होती हैं इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से, चूहों से। तो इस तरह जो स्नेक्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लिए हेल्पफुल इस तरह होते हैं कि वो रैट्स को जो है रेड्स को खा लेते हैं और छोटे इंसेक्ट्स को जो है खा लेते हैं, जिससे उनकी फसल जो है वो सेफ रहती है, अच्छी रहती है। चलिए आगे चलिए, कम टू द नेक्स्ट वन, लेबल द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट है इसमें, जो आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपको बताने हैं।
तो फर्स्ट बीटा एज वी नो दिस इज द माउथ, आप इसको माउथ लिख सकते हैं, आपके लेवल पर ये ठीक रहेगा, यू कैन राइट द माउथ. सेकेंड वन दिस इज द पाइप, दिस यू कैन से द फूड पाइप, जहाँ से खाना जो है जाता है स्टमक में, तो आप इसको ओसियोफेगस नाम है, ओसियोफेगसिस जो है इसको कहा जाता है. लेकिन आप सिंपल भाषा में, साधारण अगर भाषा का इस्तेमाल करें, तो इसमें आप फूड पाइप इसमें लिखिए, तभी शिक्षक जो है आपके मार्क्स नहीं काटेंगे. तो यू हैव टू राइट द फूड पाइप. अगला आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं. दिस वन इज द स्टमक, ये बेटा स्टमक है, दिस इज द स्टमक, ठीक है. उसके बाद नीचे, एज वी ऑल नो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस वन विल बी द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत. तो इस तरह आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है लेबल कर सकते हैं, उसके अलग अलग हिस्सों को नाम दे सकते हैं. पहला माउथ, सेकेंड ओसियोफेगसिस, थर्ड वन स्टमक, फोर्थ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन. चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, अगला चलते हैं. अगला है प्यारे बच्चों डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये भी 15 मार्क्स का है. तो यू हैव टू जस्ट टेल द ट्रू एंड फॉल्स. जंक फूड हेल्प इन डाइजेशन, जंक फूड जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्या जंक फूड अच्छे होते हैं? बिल्कुल नहीं. तो आप इसको क्या करिएगा, फॉल्स, दिस विल बी दी फॉल्स. अगला चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन. द किंग कोबरा इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वेनमस स्नैक, यस बिल्कुल, किंग कोबरा जो है बेटा बिल्कुल सबसे लंबा जहरीला सांप है. तो दिस स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट. अगला, इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियास, यस दैट्स द करेक्ट, यू हैव टू राइट दिस वन इज द ट्रू. अगला आ जाइए, नेक्स्ट वन. इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम टू डाइजेस्ट अ फूड इन स्टमक, नो इट्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट द फूड बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स still up to the 24 hours, so this statement will be the false. Pitcher plant eat insects, pitcher plant kya keede khata hai? Bilkul khata hai, to aap isko true kariyega. Theek hai, chalte hain aage. All snakes are poisonous, kya sabhi saap zehreele hote hain? Bilkul nahi. Near about few percentage, only just few percentage snakes are harmful, to aap isko false karenge. Aage chalte hain. राइट शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स में आपको जो है शॉर्ट आंसरिंग करनी है इनकी. वाई डू सम पीपल हंट एनिमल लाइक टाइगर एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल, लोग जो है टाइगर एलिफेंट और क्रोकोडाइल को क्यों हंट करते हैं? टाइगर को किस लिए हंट किया जाता है बेटा? क्योंकि उसको स्किन का यूज़ करते हैं, टाइगर की स्किन का यूज़ किया जाता है. सिमिलरली एलिफेंट, एलिफेंट के टस्क का यूज़ किया जाता है, टस्क यानी जो उसके आगे के दांत होते हैं. एंड क्रोकोडाइल को क्यों किया जाता है? क्रोकोडाइल इज ऑल्सो हंटेड फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए उसको हंट किया जाता है. तो दीज आर आंसर्स यू कैन राइट. चलिए कम टू द नेक्स्ट वन. हाउ डू यू फाइंड दैट आवर फूड इज नॉट इज स्पॉइल्ड और नॉट, आप ये कैसे पता करेंगे कि जो फूड है वो ख़राब हो गया है या नहीं? उसमें कई सारे हैं बेटा, बाय स्मेल, आप स्मेल के जरिए पता कर सकते हैं, बाय टेस्ट, टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं, बाय कलर, कलर के जरिए पता कर सकते हैं, है ना. दीज ऑल थिंग्स दैट यू कैन फाइंड आउट कि ये जो खाना है ये ख़राब हो गया है या नहीं ख़राब हुआ है, तो इन सभी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. आंसर इन डिटेल, अब आपको डिटेल में आंसरिंग करनी है. एनालाइज द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस, इस पिक्चर को एनालाइज करना है और आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. जैसे यहाँ पर देखिए, पहले इसको ध्यान से देखते हैं. मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और लॉट नंबर, ये चीज़ें दी गई हैं. तो यू कैन सी द एक्सपायरी डेट इज 20 मई 2015, ये एक्सपायरी डेट है. इस दिस प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा बेटा कि अभी जैसे मान लीजिए 22 चल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सपायर्ड, ये प्रोडक्ट जो है एक्सपायर्ड हो गया है आज की डेट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यस दिस प्रोडक्ट इज़
दिस प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड, दिस प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड। चलिए अगला चलते हैं। वॉट डू यू मीन बाई द एक्सपायरी डेट, वॉट इज इट्स यूजेस, एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है और इसका क्या इस्तेमाल है। एक्सपायरी डेट टेल्स अस, एक्सपायरी डेट जो हमें क्या बताती है, इसमें आप लिख सकते हैं एक्सपायरी डेट टेल्स अस हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट विल कैन बी यूज, यानी कितने समय तक उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल ये है कि हम उस एक्सपायरी डेट के बाद, आफ्टर दैट एक्सपायरी डेट, वी कांट यूज़ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें उसके अकॉर्डिंग जो है टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन। इसी तरह मुझे लगता है यस, अब हमारा ये लास्ट जो है क्वेश्चन था जो कि एक्सपायरी डेट के बारे में था। तो ये बेटा आपका सैम्पल पेपर है, कुछ इस तरह का पेपर आपको देखने को मिल सकता है, चूँकि आपका पीटी टेस्ट अभी होने वाला है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच।